आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी में। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा और आसान सा केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको कि बनाना जितना आसान है खाने में ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाला है। बिल्कुल स्पंजी फ्लफी केक बनेगा। तो आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं, और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत कम सामान में ये केक बनने वाला है, तो कोई भी इसे बहुत ही आसान तरीके से घर में बना सकता है। और आज इसे हम घर में पतीले में बनाएंगे और कढ़ाई में। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को नमक डाल के सेट कर लिया है। नमक का कलर ऐसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें मैंने कई बार केक बेक किया है, तो इससे वो काला हो गया है। और अब मैंने यहाँ एक पतीला लिया है, पतीले को पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के और अच्छे से मैदे को चारों तरफ कोट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैदा चारों तरफ से कोट हो गया, तो जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे हटा लेंगे, निकाल लेंगे। और अब मैंने एक बटर पेपर इसमें डाल दिया है। बटर पेपर रहता है तो निकालने में आसानी पड़ती है। और यहाँ मैंने दही ली है, तो आज हम केक दही से बनाएंगे। तो यहाँ 3 चम्मच जितना दही था उसमें मैंने पानी डाल के और इसका अच्छा सा छाछ तैयार कर लिया है, जैसे दही को घोल लिया है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गांठ ना रहे। और अब यहाँ मैंने एक बड़ा सा बॉयल लिया है, साथ में रख दिया है स्टेनर। और अब इसमें हम डालेंगे मैदा। तो मैदा मैंने यहाँ 1.5 कप लिया है, तो जितना बड़ा छोटा आप केक बनाना चाहते हैं उसके अनुसार ले, लेकिन आज हम 1.5 कप मैदे से बनाएंगे। तो 1.5 कप मैदे के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है। अब इसमें मैंने डाला है 4 टीस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो 4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 एंड हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 जितना बेकिंग सोडा, 1/4 जितना नमक। तो नमक भी इसमें हम जरूर से डालेंगे, ये केक के टेस्ट को बैलेंस करता है। और अब इसे अच्छे से मिलाते हुए छान लेंगे। छानने से क्या होता है कि जो भी यदि चीनी का या मैदे में ही कुछ हो तो निकल जाता है और अच्छा सा केक हमारा बनता है। तो मैदे को मैंने छान लिया है और देखिए इतना सा चीनी मुनी का जो बड़ा टुकड़ा है निकल गया है, तो इसे हटा लेंगे। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले एक बार, उसके बाद से इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ जो पहले हमने छाछ तैयार करके रखी थी उसको डाल देंगे। और अब इसमें डाल देंगे 1/4 कप जितना रिफाइन ऑयल। यहाँ पे सरसों तेल ना ले, रिफाइन ऑयल ले, नहीं तो बटर ले। और साथ में 1 टीस्पून डाल दिया है वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए। और अब इसे हम घोलेंगे और जितना कम पड़ेगा उसके हिसाब से हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 कप जितना दूध ले लिया है और थोड़ा थोड़ा दूध करके हम डालेंगे, जितना जरूरत होगा उतना हम डालेंगे। तो ये बैटर जो है तैयार हो चुका है, और इसे बैटर बनाने में लगभग 1 कप जितना छाछ और दूध लगा है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जब हम डालेंगे तो हमारा ज्यादा पतला नहीं होगा, अच्छे से होगा। तो ये बैटर तैयार हो चुका है, तो अब इसे हम तुरंत ही ट्रांसफर कर लेंगे अपने पतीले में। तो आप पतीला, टिफिन बॉक्स या केक टिन कुछ भी ले सकते हैं। और कढ़ाई प्री हीट होने मैंने बैठा दी है, तो प्री हीट हो चुकी है। तो अब इसमें हम इसे डालेंगे, और यहाँ मैं स्टैंड नहीं लगा रही हूँ, आप चाहे तो स्टैंड लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट नमक पे मैं ये रख रही हूँ। और अब इसे जो ढक्कन लगाएंगे हम, ये देखेंगे कि वो बराबर से इस कढ़ाई पे सेट हो जाए, ताकि जो भाप बने वो बाहर ना निकले और इसी में रहे। तो इस तरीके से केक हमारा जल्दी से बेक हो जाता है, लगभग 35 से 40 मिनट तक या 45 मिनट तक लग सकता है केक बेक होने में। तो बस बराबर से इस पे ढक्कन लगा देंगे और ऊपर से कोई भी एक भारी
बर्तन हम इसपे रख देंगे। जैसे मैंने यहाँ छोटा सा खल रखा है, जो खलबट्टा आता है लहसुन आदि कूटने के लिए, उसको रख दिया है। और अब इसे हम बेक होने देंगे। तो ये मेरा 45 मिनट लगा है और 45 मिनट में जो केक है ये अच्छे से बेक हो गया है। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है और देखिए टूथपिक डाल के मैंने चेक किया है, बिल्कुल क्लीन आ रहा है। तो इस तरीके से 40 से 45 मिनट लग जाते हैं कढ़ाई में बेक करने में, और बिल्कुल कम आंच पे ही मैंने इसे बेक किया है ताकि अच्छे से बेक हो जाए और जले नहीं। तो बहुत ही बढ़िया सा केक बनकर तैयार हो चुका है। और अब देखिए मैंने इसे प्लेट में पलट लिया है, तो बटर पेपर हटा देंगे और अब इसे सीधा कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है और बहुत ही स्पंजी सा फ्लफी सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितना अच्छा सा स्पंज आया है इसमें। तो इस तरीके से आप स्पंज बना सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने घर पे ही अमूल क्रीम जो आती है उसे व्हिप कर लिया था और क्रीम तैयार कर लिया था। तो बहुत ही आसान तरीके से ये भी हो जाता है। तो छोटा पैकेट 60-65 के करीब में आता है, वही वाला मैंने मंगाया है। और ये क्रीम जो है व्हिप हो चुकी है। तो अब हम अपने केक को डेकोरेट करेंगे और थोड़ी देर के लिए मैंने केक को फ्रिज में रख दिया था ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। और अब इसे हम कट कर लेंगे। तो नाइफ की मदद से या केक कटर की मदद से आप इसे कट कर लें। तो इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। और देखिए कितनी अच्छी सी जाली आई है अंदर से, बहुत ही अच्छी जाली आई है हमारे केक में। बस ये मैंने कट कर लिया है और अब इस पे हम क्रीमिंग करेंगे। थोड़ा सा क्रीम मैंने नीचे लगा दिया है और यहाँ मैंने 3-4 चम्मच जितना चीनी लिया था और उसमें पानी डाल के उसका घोल तैयार कर लिया है। और अब वही चीनी पानी मैं इस पे डाल दे रही हूँ। इससे जो हमारा केक है बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और अब इसमें हम क्रीम डाल देंगे। तो आप चाहे इस तरीके से भर के डालें या चम्मच की मदद से डालें, कैसे भी इस पे अच्छे से क्रीम लगा देनी है। बस थोड़ा सा नाइफ से फैला लेंगे। बस अपना दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखेंगे, उसे भी सिरप लगा देंगे, उस पे भी शुगर सिरप। तो इसी तरीके से तीनों पार्ट में शुगर सिरप लगा के क्रीम लगाना है। 2 लेयर हो गई, अब तीसरा लेयर अपना रखेंगे। और इस पे भी शुगर सिरप लगा लिया है और अब इस पे क्रीम लगा लेंगे। तो इस पे थोड़ा ज्यादा मात्रा में हमें क्रीम लगाना है। और अच्छे से इसमें हम फैला लेंगे। बस इसके किनारों को भी अच्छे से सेट कर लेंगे, किनारों पे भी ठीक से क्रीम लगा लेंगे। और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से क्रीम जो है वो मेल्ट हो रहा है। और अभी से मैं डेकोरेट कर रही हूँ जो ये शुगर कैंडी आती है उससे। बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन मैं कर रही हूँ, लेकिन देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था कि टेस्ट जो है इसका बहुत ही अच्छा सा आया था। तो अब इस पे सिल्वर बॉल्स डाल देंगे और शुगर कैंडी डालते ही और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगा है। तो बहुत ही आसान होता है इस तरीके से केक बनाना, बहुत ज्यादा झंझट नहीं है। कम समय में और कम सामग्री से ये केक हम बना सकते हैं।
तो कैसी लगी आपको मेरे केक की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।